छतरपुर से बड़ी खबर है, बताते चले कि आय से ज्यादा संपत्ति मामले में कार्रवाई की जा रही थी। आगे खबरों का रुख करेंगे। मंगलवार को देश की तीनों सेनाओं ने पोखरण फायरिंग रेंज में अपनी युद्धक और प्रहार क्षमताओं का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस लाइव फायर का आनंद लिया है। रिपोर्ट में आप देखिए। देश की लगातार की जा रही आतंकवादी एवं देश विरोधी गतिविधियों के फल स्वरूप हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन पर हमला बोल दिया है। इस युद्ध में तीनों सेनाएं भारत में निर्मित इक्विपमेंट की विभिन्न युद्ध क्षमताओं को संयुक्त और संगठित रूप से इस्तेमाल करेंगी। इस समय हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन के दस्तों को बर्बाद करने के लिए अग्रसर हो रही है। अमन चैन के दुश्मन होंगे बेदम, दुनिया ने देखा भारत का दम। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने का मादा रखता है। जब तक दुश्मन अपना जख्म सहला रहा होता है, अपनी झेप मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है, तब तक भारत माता के सपूत अपने मिशन को अंजाम देकर अपने देश लौट चुके होते हैं। जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, इस दर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन आज दिलेरी का। दुश्मन के इलाके को स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल करके जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। शत्रु सहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। शत्रु पर प्रहार की रफ्तार ऐसी कि पलके भी झपकना भूल जाएं। भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूता हिंदुस्तान। प्रलंकारी प्रहार और दुश्मन मिसमार। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे थे। 100 ड्रोन ने एक साथ हमला किया। धनुष मिसाइल ने दुश्मन के फ्यूल डिपो उड़ाए, तेजस ने दुश्मनों के टैंक उड़ाए। युद्ध अभ्यास में ध्रुव हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के कमांडो को दुश्मनों के ठिकानों तक ले गया और वहां जवानों ने आतंकवादियों का खात्मा किया। वहीं तेजस विमान ने दुश्मन के टैंकों पर हमला बोलकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही पिनाका मिसाइल, नाग मिसाइल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और ड्रोन हमलों से दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए गए। भारत की एक और बड़ी उड़ान है साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए विख्यात रहा है, इसीलिए परमाणु नगरी से हर भारतीय भावनात्मक लगाव महसूस करता है। पिनाक से लिया गया है।